रायबरेली के शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित डिगरीला चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया जब पेट्रोल टंकी पर पेट्रोल लेने आए युवक ने घटतौली का आरोप लगा दिया। फिर क्या, दबंग पेट्रोल टंकी संचालक के कर्मचारियों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से पीट दिया। मामला बढ़ता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई और किसी तरह से युवक को बचाया। वहीं आरोपी पेट्रोल टंकी के कर्मचारियों को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि शहर के डिगरीला चौराहे स्थित यह पेट्रोल टंकी हमेशा से विवादों में रही है। अभी हाल ही में इसी पेट्रोल टंकी पर घटतौली का आरोप लगा था, जिसके बाद जांच पड़ताल हुई, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया। आज फिर एक युवक ने घटतौली का आरोप लगाते हुए पेट्रोल टंकी पर हंगामा काटा, लेकिन दबंग पेट्रोल टंकी संचालक के कर्मचारियों ने युवक को दौड़ा दौड़ा कर बेरहमी से उसकी पिटाई कर दी। आप वीडियो में साफ देख सकते हैं किस तरह से युवक को बेरहमी से पीटा गया है। उसके कपड़े तक फाड़ डाले गए और उसको लहूलुहान कर दिया गया। अगर समय रहते पुलिस न पहुंचती तो यह घटना और बड़ी हो सकती थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दबंग पेट्रोल टंकी संचालक के ऊपर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। आइए आपको सुनवाते हैं पीड़ित युवक की जुबानी, आखिर उसने क्या आरोप लगाए। अपना नाम बता दीजिए, क्या हुआ आपका? मेरा नाम विपिन सोनकर है, मैं जोमेटो में फील्डवर्क का काम करता हूँ। मैं यहाँ पे तेल डलवाना है ना, मैंने कहा 195 का तेल डाल दिया। उन्होंने कहा 200 का तेल डालेंगे उसके साथ। और मैंने कहा चेंज दीजिए कहीं, हमने कहा चेंज लीजिए सर, चेंज देने के बाद मेरा जल्दी पैसा दाबे। हमें गाली से बात करने लगे हमसे, हमने कहा गाली का दे रहे हाने पाई कर दे, पीछे गला दबा दिए मेरी, कभी कभी सब तोड़ दिए मेरे, हमारा अलग कुछ पाई उठा लिए मारने के लोहे वाली। देखिए सर, एक हलवा है, ये बंदा छुड़ाने में आया था, इसका हाथ भी फट गया। कितने लोग थे मारने में? वो अकेला था, राड लिए था घुमा हुआ, ये राड सब फट गया। बात क्या थी, किस वजह से मारपीट शुरू हो गई? तेल के पैसे की वजह से। मैंने कहा पैसा का क्या मामला था? मैंने कहा 195 का तेल डाली। मैंने कहा नहीं 200 का तेल डालेंगे पूरा। मैंने कहा 200 नहीं, 195 मैं चेंज देता हूँ आपको। तो चेंज देने के बाद मैंने खाली चाबी, उनका तेल पड़ा कि नहीं पड़ा मैं चेक कर रहा था, कहीं पैसा तुरंत दीजिए। भाई गाली से बात करी मुझसे, बात करने के बाद मारपीट स्टार्ट हो गई।